राष्ट्रीय व प्रदेशीय स्तरीय ईंट भट्टों से संबंधित खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो आप इन नंबरों पर कर सकते हैं हमसे संपर्क। उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के निर्वाचित हुए महामंत्री गोपी श्रीवास्तव का स्वागत समारोह और आम सभा की मीटिंग शनिवार को लाफ्टिक हॉल गैंजस क्लब आर नगर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने नव निर्वाचित महामंत्री गोपी श्रीवास्तव का भव्य स्वागत किया। इस दौरान आयोजित हुई आम सभा में आगामी सीजन की फुकाई तिथि, खनन व जिला पंचायत और प्रदूषण विभाग से संबंधित विषयों पर हर वर्ष की भांति चर्चा की गई। कार्यक्रम में कानपुर ब्रिकलेन ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन पप्पू शुक्ला, महामंत्री घनश्याम दास छाबड़ा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। सर, क्या जिम्मेदारी आपको मिली है और क्या समस्याएं हैं जिनको आप सरकार तक ले गए? मैं गोपी श्रीवास्तव, मेरा नाम है। मैं कानपुर जनपद से बिलोंग करता हूं। कानपुर ब्रिक एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूं। उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति प्रदेश के 19,000 ईंट भट्टों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। अभी तक मैं उसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष था। 7 तारीख को लखनऊ में चुनाव हुआ, उसमें निर्विरोध रूप से मुझे उत्तर प्रदेश निर्माता समिति का महामंत्री बनाया गया है। साथियों, इस समय ईंट भट्टे वालों की प्रमुख समस्या है कि मिट्टी खनन में JCB को चालू कराया जाए। हमारा पुलिस द्वारा बहुत उत्पीड़न हो रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ईंट भट्टों पर मिट्टी की रॉयल्टी समाप्त कर दी है। जब रॉयल्टी समाप्त हो गई तो खनन में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जो हमारे ऊपर ये कानून थोपा जा रहा है कि हाथ से खोदा जाए, मेरा कहना है कि मट्टी खोदने पे कोई रोक नहीं होना चाहिए। छोटे से छोटे काम सरकार जो है JCB मशीन से कर रही है। कहीं केबल डालना है, नाली खोदना है, नाला बनाना है, हम विकास की कड़ी हैं, ईंटा बनाते हैं, तो हमारे को JCB मशीन अलाउ करनी चाहिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने प्रतिवेदन कल दे दिया है। जैसे ही वो मुझे बुलाएंगे, इस पे हम लोग उनके साथ वार्ता करके इस समस्या को सबसे पहले हमें हल करना, यही हमारी पहली प्राथमिकता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें ABNews इंडिया के YouTube चैनल को, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अपडेट।